बुलंदशहर सयाना में हुई हिंसा बवाल के मामले में एसएसपी बुलंदशहर का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद 7 लोगों की जमानत हो गई है। इस मामले में 3 और आरोपियों की जमानत के कागजात तैयार हैं और कल तक उनके जेल से रिहा होने के आसार हैं। उधर शेरची विधायक देवेंद्र लोधी भी इस प्रक्रिया को न्यायिक प्रक्रिया बताकर आरोपी के संग नजर आ रहे हैं और रिहा होने वाले आरोपियों के स्वागत की घटना को जानकारी से अपने आप को अनिभिज्ञ बता रहे हैं। सर, सयाना हिंसा प्रकरण में अब तक कितने जमानत इसमें हो चुकी है और अभी इसमें क्या अपडेट है? ये माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पे कुल 10 लोगों की जमानत हुई है, जिसमें 7 जो है जेल से जमानत पे छूट चुके हैं, 3 को भी छूटना शेष है। सर, क्या इनका राजद्रोह का मुकदमा भी था? हाँ, मुकदमा सारी धाराओं में था, केवल मर्डर के मामले में ये लोग नहीं थे। मर्डर के मामलों में अलग अभियुक्त हैं, उनकी भी बेल नहीं हुई। सर, जो 3-4 महीने बाद सर जो बताया जा रहा है कि राजद्रोह का मुकदमा, वहाँ पुलिस कितना स्टैंड नहीं कर पाई हाईकोर्ट में जमानत? अब माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर कोई टिप्पणी करना उचित और संभव नहीं है। लेकिन थाना बूढ़ा पांडे क्षेत्र के गांव सोपरी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक महिला पोड़ी देवी थाने के गेट पर बीच सड़क पर लेट गई। आपको बता दें कि पोड़ी देवी के बेटे अवधेश का गांव में ही ग्राम समाज की जमीन पर लकड़ी रखने को लेकर गाँव के ही कुछ युवकों से विवाद हो गया था, जिसमें किसी ने इस बारे में पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची, जहां अवधेश और गांव के ही कुछ युवकों को थाने ले आई और पूछताछ शुरू कर दोनों के चालान कर दिए गए। ये क्या मामला है जो आज थाने आए? ये साहब, ग्राम सभा जगह थी, वहां पे मतलब जो अपना जो मतलब जो लकड़ी पकड़ी रख ले गए। ये कौन है, आपकी बीवी है, कौन है जो यहां थाने के गेट पे मरने जा रही है? ये हमारी, आप क्यों ऐसा कर रही है, क्यों गाड़ियों के नीचे आ रही है? ये गरीबाई में मतलब जो है ये काम हो रहा है हमारे। झगड़ा जो हुआ किस बात को लेकर हुआ? वो ये क्या ग्राम सभा में मतलब जो थोड़ी लकड़ी पकड़ी रख ले, वो भी रख ले कर रहा था, हम भी रख ले कर रहे थे, तो वो तो सभी मतलब जो है अपना रहा है। क्या नाम है जिसके जिससे झगड़ा हुआ, क्या नाम है उसका? उसका क्या नाम है उसका? रामपाल। कहाँ का निवासी? ये समदा का। आप कहाँ के निवासी? हम सोपरी के। अब क्या चाहते हो तुम? अब क्या चाहते हो तुम? अब ये ना चाहते हैं कि ना तो वो बरत सके ना हम बरतें। यूपी के जहांगीराबाद के मोहल्ला कायस्थवाड़ा अंसारी रोड स्थित मौलाना आजाद जूनियर हाई स्कूल में राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन के जिलाध्यक्ष सुल्तान अंसारी के नेतृत्व में एक निशुल्क स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन नगरपालिका चेयरमैन डॉक्टर सूरज भान माहुर ने किया। इस मौके पर चेयरमैन ने कहा कि इस समय वायरल फीवर चल रहा है, इस समय कैंप लगवाने का कार्य अच्छा है, क्योंकि लोगों को इस वायरल फीवर से बचाने के लिए समय से दवा लेनी जरूरी है। कैंप में शारदा अस्पताल नोएडा से 6 सदस्यता डॉक्टरों की टीम ने लगभग 450 मरीजों को चेकअप करते हुए मुफ्त दवाएं भी वितरित की और लगभग 110 मरीजों को ऑपरेशन के नोएडा अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जी, कौन से अस्पताल का कैंप है ये, कितनी टीम आई है आपके साथ? जी, हमारा कैंप लगा शारदा अस्पताल की तरफ से। ये हमारे कैंप में आज 6 जने लोग आए थे, हम लोग 2 डॉक्टर थे। इसमें हमारे पास आज पेशेंट कम से कम 400-450 पेशेंट आए हैं, सबको हमने दवाइयाँ दी हैं, काफ़ी अच्छा कैंप रहा है। जो ऑपरेशन का भी मरीज आए आपके पास? बिल्कुल, आज ऑपरेशन काफ़ी मरीज आए हैं हमारे पास। कब ऑपरेशन किया जाए उनका? उनका ऑपरेशन हमने अस्पताल के लिए उन्हें रेफर कर दिया है, जैसे ही वो पहुँचेंगे वहाँ तो जाँच वाँच करके अस्पताल में करवा देंगे ऑपरेशन उनका। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? मेरा नाम निखिल कमल है। आप वहीं तैनात हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं वहीं था। पीलीभीत में बगैर हेलमेट लगाकर बाइक चलाना एक युवक को महंगा पड़ गया। रास्ते से गुजर रही महिला को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित हुई बाइक फिसलकर रोड पर जा गिरी, जिसमें युवक घायल हो गया और उसके सर पर चोटें आई हैं। वहीं घायल बाइक चालक को राहगीरों द्वारा आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। डॉक्टर साहब, एक एक्सीडेंट केस आया, किस तरीके क्या घटना है? हाँ, ये हमारे यहाँ पर दो एक्सीडेंट आए, एक फीमेल है एक मेल है। सो ये बता रहे हैं कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, जो बाइक थी इसके पास में, मेल के पास में, और ये मेल तो हमारे पास में आया तो ये तो डेड है, ब्रॉड डेड था। फीमेल है वो थोड़ा सीरियस थी, उसके हेड इंजरी भी है
और मोस्ट प्रोबेबली राइट नी में फ्रैक्चर भी हो सकता है, जिसको हमने देखते हुए सीरियस कंडीशन को उसको जिला अस्पताल पीलीभीत के लिए रेफ़र कर दिया है। और जो डैड है उसके लिए यहाँ पर है और उसकी PI भेज दी गई है और पुलिस वाले आ रहे होंगे अपना करेंगे पंचनामा वगैरह। अच्छा, ये आपस में क्या रिश्तेदार हैं? इसके बारे में मुझे कोई खास ठोस जानकारी नहीं है कि ये रिश्तेदार हैं, बता रहे हैं कि कोई मतलब है नोन कुछ ऐसा बता रहे हैं साथ वाले। अच्छा, किसी विभाग में ये तैनाती करते हैं? ये हाँ, वो बता रहे हैं कि उसका घर वाले की जा रही है कि वन विभाग में कोई मतलब पोस्ट। क्या नाम है आपका और ये जो जिनकी मृत्यु हुई ये आपके कौन है, क्या किस तरह की घटना है ये? जी सर, मेरे पिताजी हैं फिर भूपराम, सामाजिक वारंगी में काम करते हैं और मैंने अभी एक डेढ़ घंटे मतलब 3 बजे के टाइम में सूचना हमारे पास आई है कि इनका एक्सीडेंट हो गया है। जब हम वहाँ पर घटना स्थल पर पहुँचे तब देखा कि 108 लेके और पूर्णपुर अस्पताल पहुँच चुकी, तब हम पूर्णपुर आए अस्पताल में तो ये मृत घोषित हो चुकी। अच्छा, किस पता चला कि किस तरीके से क्या घटना हुई, जैसे किस चीज़ ने टक्कर मारी? घटना के स्थल बारे में तो अभी मुझे इतनी कुछ अभी जानकारी नहीं है। बाइक से थे ये? जी बाइक से थे। किस जगह पे हुई ये घटना? ये चित्रपुर के पास एक स्थान है वहाँ पर। अच्छा, माधोटांडा का ये आगे तहसील के पास में से थोड़ा एक। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के सतबरी रोड में एक बाइक पर सवार होकर जा रहे 3 लोगों में से पीछे बैठे युवक ने बाइक चालक को सिर पर तमंचा सटाकर गोली मार दी, जबकि उसे गोली मारने वाले साथी युवक भाग निकले। ये घटना क्षेत्र में लगे CCTV फुटेज में कैद हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही। बिधनू और चकेरी थाने के बीच सीमा विवाद के चलते काफी देर तक युवक तड़पता रहा और पुलिस ने उसे अस्पताल नहीं भेजा, जिसके चलते मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताइए क्या हुआ? मेरे बच्चे की हत्या हुई है। क्या है? पूरे पुलिस प्रशासन ने मेरे बच्चे की हत्या कराई। अनुराग सिंह ने आज से 4 महीने पहले, 4 या 5 महीने, 6 महीने हो रहा है, उसने मेरे बच्चे, इसी छोटे बच्चे के लिए उसने कारतूस लगाई थी और कट्टा लगाया था। हाई स्कूल का मेरा भी विद्यार्थी है, हाई स्कूल का लड़का है, वो हाई स्कूल पास है। क्या था मामला? मामला कुछ भी नहीं था। अरे ये क्या, वो तो ऐसे बंद कर देता है। अच्छा। वो अनुराग सिंह ऐसे बंद कर देता है, वो बहुत तो बड़ा तोप है ना। आपके बेटे को किसने मारा? किसने मारा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये साजिश है वहाँ के यादों की, सतबरी के यादों की हो रही है। ये उसी के अनुराग सिंह के गुंडे, अनुराग सिंह के गुंडे और वो कुछ लोग हैं। सौरभ यादव का नाम आ रहा है। हाँ, सौरभ यादव भी हो सकता है, वो अनुराग यादव भी हो सकता है, वो और भी कोई यादव हो सकते हैं। इन लोगों ने मिलकर मेरे बच्चे के खुलेआम हत्या की है और मेरे बच्चे की हत्या यहीं डेड बॉडी यहीं हो गई, इसी काशीराम हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई। मैंने खुद अपनी आंखों से, अपने हाथ से देखा है। मैं ललकार के कहता हूँ मेरे बच्चे की यहीं डेड हो गई और डॉक्टरों ने यही कहा कि नहीं हेलमेट आप जाइए। हेलमेट क्या करने जाऊं, मैं तो अपने बच्चे की डेड बॉडी यहीं चाहता हूं। कानपुर के थाना स्वरूप नगर क्षेत्र में होंडा अमेज गाड़ी के अंदर चालक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, वहीं मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। वहीं बताया जा रहा है कि मृतक बर्रा के कराही इलाके का रहने वाला है, अशोक सचान कोऑपरेटिव बैंक की गाड़ी चलाता है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर जांच में जुट गई है। मेरा नाम अंकित है। अंकित, अरे आज केवल बस दो दिन से गुस्से में थे, केवल 2 दिन से लड़ाई हो गई थी घर में, हमेशा लड़ाई होती रही। मम्मी को मारते रहे, मेरे पापा हमको मारते रहे, लेकिन कभी ऐसा नहीं करें, कभी हमेशा फिर बोलने लगे हैं, 2-3 दिन में बोलने लगे हैं। लेकिन बंदूक थे नहीं हमारे घर में, छोटा सा सर एक कमरा है, उसमें एक जरा खाने पीने की तो दिक्कत है, बंदूक
कहाँ से रखेंगे, बंदूक कहीं से पाक है या गाड़ी में रखी होगी, इनके मालिक में होगी कहीं, गार्ड था क्या इसमें साथ में, तो गार्ड पता नहीं, अरे खाली अंकल टीवी केवल खराब हो गई थी, तो मम्मी ने कहा था टीवी क्यों नहीं सही कराते हो, टीवी क्यों नहीं सही कराते हो, फिर से खराब हो गई, तो उसी के पीछे मम्मी थोड़ी बहस करने लगी कि कहा एक बार खराब हो गई गारंटी लीज था, तो बस पापा थोड़े गुस्सा आ जाता उनको जल्दी, तो गुस्से में फिर मम्मी को मारने लगे, हमको मारने लगे, टीवी फोड़ने जा रहे थे तो हमने टीवी बचा ली थी, कि कुछ नहीं कहा, कुछ कही के नहीं, दो दिन से बोल ही नहीं रहे भैया, हम लोग बोल ही नहीं रहे थे कि साइज उधर जाएंगे, दो दिन खाना पीना नहीं खाएंगे तो अपना ही बनाए खाएंगे अकेले, तो समझ समझ में आ जाएगा कि अकेले अभी तक कभी बना के नहीं खाए अपने मन से, बैंक में ये विधान तक बगल में बैंक है, उसी बगल बैंक में ड्राइवरी करते थे, ये वही गाड़ी है हमें लग रहा जिसको गाड़ी चला के लाए रे भैया रे। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बढ़ाए गए आंगनबाड़ियों के मानदेय की घोषणा एवं अपनी कई मांगों को लेकर जिले भर से आए आंगनबाड़ियों ने उरई मुख्यालय में आकर धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना था कि यदि इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो यूं ही वो प्रदर्शन उग्र करेंगे। कलेक्टर आए, क्या मामला है? अच्छा, तो इसके लिए आपने शिकायत की है? हाँ जी, इसके लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है एसडीएम सर को और डीपीओ सर को। समाज सेवी श्रीकांत सिंह के स्मृति में कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन होने वाले अंतर जनपदीय कुश्ती दंगल का आयोजन श्रीमती इंदिरा गांधी पीजी कॉलेज परिसर में शनिवार को आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में अजगरा वाराणसी के पहलवान रितेश एवं जगदम्बा पहलवान, मऊ के तेज बहादुर सिंह, नाहर रामपुर टडवा के रविन्द्र पहलवान, केराकत के मंगला पहलवान, रोहतक के सुनील पहलवान, आजमगढ़ में रवाशंकर पहलवान ने अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरते हुए कुश्ती दंगल को रोमांचित बना दिया। कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का शुभारंभ कांग्रेस पार्टी के संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश राष्ट्र कुंवर सिंह ने किया। इसी क्रम में महिला पहलवान संध्या पाल, जय विश्वकर्मा, रागिनी यादव, नेहा यादव, प्रिया चौहान ने कुश्ती दंगल में जान डाल दी।